अलग अलग तरीके के एंजल्स कौन से हैं, एक बार ही आपको इसका ब्रीफ दे दूंगी। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हर एंजल के साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जब हम आर्क एंजल्स की बात करेंगे तो वो हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हैं सेरेफिम एंजल्स। ये एंजल्स ईश्वर से सबसे करीब माने गए हैं। ये इंटेंस फायरी लाइट, मतलब इनके सिर के आसपास आपको ऐसा लगेगा कि सर्कल है और बहुत सारी लाइट ये दे रहे हैं बाहर की ओर। ऐसा लगता है कि ये ईश्वर की लाइट को सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सेरेफिम माना गया है कि आग वाले जैसे सांप होते हैं, उस तरीके के डिवाइन बीइंग्स हैं। हो सकता है आप उनको देख भी ना पाए। टोटल चार सेरेफिम है और हर किसी के चार मुंह है और छह पंख है। जब सेरेफिम्स अर्थ पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, तो वो किसी और फॉर्म में जन्म लेते हैं। जनरली ह्यूमन फॉर्म में अगर वो आते हैं तो वो लंबे, दुबले पतले और ह्यूमन फॉर्म में आएंगे, क्योंकि जितने भी ऐसे एंजेलिक एलिमेंट्स होंगे, अगर इनकार्नेट होते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग सा ही आकर्षण होता है। फिर दूसरे हैं चेरुबियन। ये चेरिप का प्लूरल फॉर्म है। ये रिकॉर्ड्स रखते हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं ईश्वर से जुड़े हुए तत्वों की। इनको धरती पे या पृथ्वी पे तब भेजा जाता है जब ईश्वर को ऐसा लगता है कि ह्यूमन काइंड या ऐसे कुछ कार्य हो रहे हैं, कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं मनुष्य द्वारा, जिससे वो ईश्वर के टच से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें भेजा जाता है कि ये दूसरों का मार्गदर्शन कर सके, ये उनको रास्ता दिखा सके। कई लोग चेरेब एंजल्स को बेबी फॉर्म में लेते हैं, आपने देखा होगा, विंग्ड क्रीचर्स, बेबी टाइप के। अब तीन चेरेबियम एंजल्स हैं जिनके नाम है ओफेनियल, रिकबियल एंड जोफियल। पहले चार थे जिसमें से ल्यूसिफर भी थे, लेकिन ल्यूसिफर के कुछ ऐसे कर्म हुए जिससे कि उनको एंजेलिक कैटेगरी से नीचे कर दिया गया। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। देन फिर आते हैं थ्रोन एंजल्स। थ्रोन एंजल्स की अपीयरेंस थोड़ी सी अजीब होती है। उनके व्हील्स होते हैं सिर के पास और बहुत सारी आंखें होती हैं। ये जनरली सारथी का काम करते हैं ईश्वर के लिए और हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ले जाते हैं। ये अच्छे और बुरे में एक बैलेंस भी स्ट्राइक करते हैं। देन डोमिनेशन एंजल्स या डोमिनियन एंजल्स होते हैं। ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, मतलब वहां से डिवाइन से ऑर्डर्स जो आते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे के एंजल्स को ये ऑर्डर्स पास ऑन करते हैं। देन प्रिंसिपैलिटी एंजल्स, ये वो एंजल्स हैं जिनको रे ऑफ लाइट की तरह देखा जाता है। ये हर चीज को ओवरसी कर देते हैं। ये चाहते हैं कि हर कोई गाइडेड रहे, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो उन तक गाइडेंस सही पहुंचे, क्योंकि ये ड्यूटीज को प्रिंसिपल या आदर्शों के बेसिस पे निभाने में विश्वास रखते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ और एंजल पिक्चर्स। फिर पावर एंजल्स आते हैं। पावर एंजल्स सेलेस्टल फॉर्म में आते हैं, मतलब बहुत रोशनी के साथ आते हैं, धुआं होगा, और ये बर्थ और डेथ के बॉर्डर पे खड़े होते हैं।
जैसे आर्मी खड़ी होती है ना एलओसी के बॉर्डर पे, अलग अलग देशों की आर्मी खड़ी होती है, वैसे ही पावर एंजल्स खड़े होते हैं डेथ और बर्थ के बॉर्डर्स पे, जिससे कि ट्रांजिशन इजिली हो सके। तो पावर एंजल्स इन सब चीजों को देखते हैं और ये रिलीजन की थ्योरी और आइडियोलॉजी को भी लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। फिर वर्च्यू एंजल्स, वर्च्यू एंजल्स लाइट की तरह होते हैं, जैसे रोशनी की एक चमक आए, ये नेचुरल चीजों को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। नेचुरल जैसे प्राकृतिक कोई भी चीज हो गई, ये ऊपर, इनसे ऊपर जो एंजल्स होते हैं उनसे ऑर्डर्स लेते हैं और उन्हें आगे एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये जनरली अर्थ पे इनकार्नेट होते हैं, यानी कि आप देखेंगे पृथ्वी पे जितने जो कलाकार जो सोच भी नहीं सकते कि कैसे करते हैं वो लोग, जैसे कोई जादू सा हो गया है, ऐसे ही साइंटिस्ट। तो इस तरीके के लोग जो अपनी फील्ड में कुछ ज्यादा ही आगे हैं, उनको माना जाता है कि वो वर्च्यू एंजल्स हैं और वो पृथ्वी पे इनकार्नेट हुए हैं। ये टाइप ऑफ एंजल्स इन्होंने पूरा बाय वे ऑफ पिरामिड समझाया है कि इनकी हायरार्की क्या है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे आर्क एंजल्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और ये इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम कनेक्शन आर्क एंजल्स से ही बिठाते हैं। आर्क एंजल्स ये गार्जियंस हैं, जैसे जो मनुष्य जाति है उनको मार्गदर्शन के लिए जो एंजल्स मिले हैं वो है आर्क एंजल्स। ये ह्यूमन फॉर्म में भी आते हैं और इनके आजकल तो आप देखेंगे पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, लोग इनके फिगरीन्स बना बना के मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके बड़े बड़े पंख होते हैं और सबसे ज्यादा जाने जाने वाले आर्क एंजल्स हैं आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल गैब्रियल, आर्क एंजल रेफियल। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। एंजल्स बेसिकली हमें ईश्वर के मैसेजेस देते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें रक्षा देते हैं, हमारे परिवारजनों की रक्षा करते हैं। हर किसी के अपने पर्सनल एंजल्स होते हैं जिन्हें हम गार्जियन एंजल बोलते हैं।